Hey, what's up, guys? You are watching RC17 Vlogs. At the moment, मैं जा रहा हूँ पदमपुर की तरफ. थोड़ा सा काम था बैंक के अंदर, वो कंप्लीट करके आना है. काम तो थोड़ा ही है, बट आपको पता है बैंक के अंदर अगर 2 मिनट का काम भी अगर करना हो तो आधा घंटा तो कहीं नहीं गया भाई. बैंक बंद होने में अभी आधा घंटा बाकी है. 3:28 हो रहे हैं, 4 बजे लगभग बैंक बंद होता है, तो उससे पहले पहले पहुंचना है अपने को. काम करवाएंगे सारा, उसके बाद मिलते हैं. एंड वेदर कंडीशन काफ़ी अच्छी है, कल भी बारिश हुई. मैंने उसके काफ़ी सारे सिनेमैटिक शॉट्स लिए इंस्टाग्राम के लिए. अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं होगा कि मैं कितने अच्छी अच्छी स्टोरीज डालता हूं, तो आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए. नीचे मेरा इंस्टा यूज़र आईडी आ रहा होगा. तो उसके लिए मैंने कुछ सीन्स कैप्चर किए थे कल वाली बारिश में, तो वो वाले आज मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहा हूं. बट जो व्यूवर्स मुझे देखते हैं इंस्टा पे, उन्होंने वो कल ही देख लिया था, तो आज मैं उन्हें इंक्लूड करूंगा इस वीडियो के अंदर. एंड आज भी मौसम कुछ ऐसा है कि बारिश हो रही है बाहर. थोड़ा सा 200-300 मीटर आगे बढ़ा, उसके बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं है. बिल्कुल बाउंड्री की तरह, उस बाउंड्री के आगे बारिश नहीं थी, उस बाउंड्री के पीछे बारिश थी. तो ये वाला कुछ सीन था. आई होप यहाँ भी बारिश हो जाए, और नहीं होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कल वाले शॉर्ट्स इनफ है अपने लिए, वो मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, तो देखिए आप पहले उन्हें. शिकायत करते हैं कि आप पदमपुर में जाते हो बट पदमपुर का वीडियो नहीं डालते, मार्केट का व्लॉग नहीं करते. तो अभी जस्ट मैं अभी पदमपुर में एंटर हुआ हूं, तो जितनी भी प्रॉपर गलियां हैं यहाँ की वो आप देख सकते हैं. कुछ ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, बट एवरेज से बढ़िया है, अच्छा है कुल मिला के. तो देखिए आप. सामने आपको चौक पे दिख रहा होगा, ये वाली ब्रांच है SBI की. SBI में मुझे काम है आज, तो पार्किंग की भी जगह नहीं लग रही है मेरे को यहाँ पे, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा पार्किंग के लिए. सो ये रही मेन ब्रांच SBI की, एंड इधर ये पार्किंग है इसकी. पार्किंग बिल्कुल फुल है. वॉलेट वगैरह उठाते हैं, ये कुछ कार्ड्स हैं, तो थोड़ा बहुत काम है, पैसे वगैरह जमा करवाने हैं, कुछ निकलवाने हैं, तो वो करवा के फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट. बैंक वाला काम तो अपना हो गया, पास में कार्ड था, कार्ड से किया सारा ट्रांजैक्शन पोस्ट मशीन से. उसके बावजूद भी 20-25 मिनट लगे. अगर लाइन में लगता तो मेरे को लगता नहीं मेरा काम हो पाता. तो काम हो गया फाइनली. कुछ पैसे जमा कराने थे अकाउंट में और उन्हें ट्रांसफर करना था किसी और के अकाउंट में, तो वो कर लिया है. अब चलते हैं मार्केट की तरफ. तो गाइस अभी तैयारी चल रही है जिम जाने की. टाइम हो रहा है 5:07 हो रहे हैं, एंड 6:30 मैं जिम जाता हूँ. उससे पहले 1-1.5 घंटा पहले मैं प्री वर्कआउट की डाइट लेता हूँ. डाइट के अंदर आज क्या ले रहा हूँ, वैसे हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है, बट आज है मेरे पास कुछ स्प्राउटेड चने और मूंग, ये ले रहा हूँ मैं. एंड इसके साथ में एक ग्लास ऑफ मिल्क. तो ये आज अपना प्री वर्कआउट डाइट है, और इसके साथ में एंजॉय कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियो. कौन से वीडियो देख रहा हूँ एक बार आप खुद देख लीजिए. आ जल्दी आ, मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने. ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको दिखा दो कि मार्केट से तो काफी पहले ही आ गया मैं, वहां से काम हो गया था मेरा 10-15 मिनट में, एंड उसके बाद आ गया घर पे. घर पे आने के बाद कुछ नहीं, बस थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद अभी जिम जाने की तैयारी है.
सो गाइस अभी जा रहे हैं जिम और आज एक्सरसाइज लगाएंगे शोल्डर की, जो कि सबसे टफ लगती है मेरे को तो वही लगाएंगे। एंड गाइस एक और अपडेट था आपके लिए कि मैंने एक लॉन्ग राइड प्लान की है, बाइक राइड, लगभग सिंगल साइड का अगर उसका कवरेज डिस्टेंस बताऊं तो रहता है 300 किलोमीटर्स, अगर अप एंड डाउन का कैलकुलेट करें तो 600 किलोमीटर के लगभग बैठेगा। एंड उससे रिलेटेड मैंने एक गिव अवे भी रखा है अपने फेसबुक पेज पे, अगर आपने अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो जरूर एक बार वहां पे जाके पार्टिसिपेट करें, हो सकता है कि उन लकी विनर में से आपका नाम वहां पे आए और आपको प्राइज मिले। उसके लिए आपको करना ये है कि मैंने एक पोस्ट किया हुआ है अपने फेसबुक पेज पे, उसका लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाइए और कमेंट करके बताइए कि श्री गंगानगर से 300 किलोमीटर डिस्टेंस के लगभग कौन सा ऐसा शहर या ऐसा कोई टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करिए, वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे फेसबुक पेज पे, तो उस पोस्ट पे जाके आप वहां पे कमेंट जरूर कीजिए। एंड कंडीशन ये रहेगी, कमेंट करते वक्त पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, जिसका आंसर भी सही हुआ उसके लिए मैं आते टाइम उस प्लेस से एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आऊंगा स्पेशल उसी पर्सन के लिए खरीद के। तो अगर मान लीजिए 5 लोग सही आंसर देते हैं तो 5 को भी मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आप में से 10 लोग सही आंसर दे पाते हैं तो 10 को मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं ना बताऊं अपने वीडियोस के जरिए कि मैं कहाँ जा रहा हूं, उससे पहले अगर आप गेस कर पाते हैं और कमेंट करते हैं उस पोस्ट के ऊपर और आपका कमेंट रहता है सही, तो आप बन जाएंगे विनर। The next day. अब ठीक है। सो गाइज आज जा रहे हैं गंगानगर बिकॉज आज मिस्टर हेमंत तनेजा जी का बर्थडे है। भूल गए कौन से तनेजा जी, वही श्री श्री 1008 महाराज जो पिछली बार गए थे हमारे साथ करनपुर। अभी मैं रास्ते में खड़ा हूँ, पीछे से फ्यूल रिफिल कराया बाइक में और अभी जा रहा हूँ श्री गंगानगर। सो गाइज कल हमने मिस्टर हेमंत तनेजा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो वहां से आज सुबह आया था मैं, कल नाइट स्टे उसी के पास था एंड अब आया हूँ मैं इवनिंग वॉक करने खेत की तरफ। एंड साथ में आया मेरा डॉग डेविल। शाम का टाइम है तो मैंने सोचा बाहर घूम आते हैं और देख सकते हैं पीछे इसके अंदर डिग्गी के अंदर पानी चल रहा है और यह जो आसपास जो खेत है ये अपना खुद का ही है। अगर इस पर आप डेडिकेटेड वीडियो या व्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको सारा सिस्टम समझा दूंगा क्या कुछ कैसे है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसमें पानी चल रहा है, यहाँ से पानी उठाने के लिए इसका ये जो सोलर प्लेट लगी है इनका यूज़ किया जाएगा। इसके बाद अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा है जिससे पानी फिल्टर वगैरह होके कंप्लीट मिट्टी वगैरह निकल के बाद में जाता है उधर किन्नू के बाग में। ये बाग भी अपना ही है, इसके अंदर किन्नू लगते हैं, दिसंबर तक अच्छे से खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड यहाँ से पानी आ रहा है नहर के अंदर से, उधर नहर है वो भी दिखाता हूँ आपको। ऑन रोड ही है अपना खेत, यहाँ पे पीछे स्टेट हाईवे है, यहाँ पे लगभग पूरा दिन ट्रैफिक चलता रहता है, तो काफी अच्छी लोकेशन है और इधर नहर है और यहाँ भी मैं बैठा हूँ और ये रहा डेविल डेविल डेविल। सो गाइस ये है नहर एंड यहाँ से पानी आता है इसके थ्रू, यहाँ पे एक चैम्बर बनाया हुआ है, इसके अंदर से आता है पानी जो कि डायरेक्टली सप्लाई होता है खेतों की तरफ। सो अगर आप पूरी प्रोसेस जानना चाहते हैं कि किस तरह से खेती बाड़ी होती है, किस तरह से क्या कुछ यहाँ पे काम धंधा होता है खेत के अंदर,
वो जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको टोटली उसका इन्फॉर्मेशन है डिटेल में एक सिंगल व्लॉग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या कुछ किस तरह से होता है, क्या कुछ काम किया जाता है। तो आप एक बार मुझे बता ज़रूर दीजिएगा, यानी आप खेत में जो काम धंधे होते हैं उनकी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो एक बार नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल RC17 व्लॉग्स को। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं इन फ्यूचर भी तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस दे सकते हैं वीडियो के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, या फिर अगर आपको कुछ भी अच्छा ना लगा हो तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।